हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड इवनिंग। तो अभी आज ना बहुत दिनों बाद मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम का वही 7 बज रहा है, 7:15 हो गया है, मतलब 7:30 हो गया है शायद, देख लेती हूँ टाइम। नहीं, 7:45 हो रहा है। हाँ, मम्मी पूजा कर रही है। हम लोग मार्केट गए थे ना, मम्मी को थोड़ा घुमाने लेके गए थे मार्केट, तो ऐसे चलो थोड़ा सा घूमना भी जरूरी है। जब तक मतलब मैं फ्री हूँ तब तक मम्मी को घुमा देते हैं थोड़ा इधर उधर। और अभी आया तो फटाफट से ना डिनर की तैयारी करूँगी, और हस्बैंड भी आ रहे हैं, अभी कॉल आया था उनका, स्टेशन पर पहुँच गए हैं। रिशानी क्या कर रही है? और आज ना रिशानी के स्कूल में सेलिब्रेशन था, राखी सेलिब्रेशन। आप लोग राखी कब मना रहे हो? मतलब कल 30 तारीख है, तो बहुत लोग 31 तारीख को मना रहे हैं, क्योंकि कल शायद शाम से रक्षाबंधन शुरू होने वाला है। संडे कल संडे है ना? नहीं, संडे नहीं है। तो फिर सब लोग बोल रहे हैं कि कल संडे, कल वो राखी सेलिब्रेशन कर रही है। कल नहीं है, तो हमारे यहाँ मतलब उधर माई की तरफ, तो मतलब मनीषा से मैंने कॉल करके पूछा था उधर कब मना रहा है, तो 31 तारीख को मना रहा है सब लोग। और इधर भी बहुत सारे लोग 31 तारीख को मनाएंगे। मैं गई थी नीचे तो कुछ भाभी लोग मिलिए, तो कुछ लोग 31 तारीख बोल रहे, कुछ लोग 30 तारीख बोल रहे। अभी देखिए कौन से डेट पे। वैसे तो हस्बैंड का छुट्टी रहने वाला नहीं है, क्योंकि छुट्टी नहीं रहता रक्षाबंधन पे। त्रिशानी का कल स्कूल बंद है, कल ही स्कूल बंद है, ट्यूशन भी बंद है। हाँ। अरे तब तो बल्ले बल्ले। हाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, और मम्मी गांव से क्या क्या लेकर आई थी मैं आप सबको ना बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है मसाला, तो ये मम्मी बना के लाई है वहां से, और स्पेशली नानी ने बताया था, नानी का रेसिपी है, नानी ने बताया, मामी मम्मी सब मिलके बनाया। मम्मी को अच्छे से आता नहीं बनाने, नानी को आता है, मेरी दादी भी बनाती थी, तो दादी भी बहुत टेस्टी बनाती थी। तो अभी नानी से अभी उतना बनता नहीं है ना, तो फिर नानी बताते जाती है, फिर मम्मी लोग बनाती है। तो इतना सारा मसाला है, ये डिलीवरी के बाद खाया जाता है, खाना बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, और आपका बॉडी भी मजबूत होगा, कमर दर्द नहीं होगा, बहुत सारा बेनिफिट है ये मसाले का। तो इतना सारा मसाला है, मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही लाया है। तो मसाला मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मम्मी ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस लाया। क्या हुआ? ये मेरे को खुश नहीं रहा मेरे को। अब हो गया ना, आपने इसको हटा दो, दूसरा पहन पहन लो, ठीक है? तो मम्मी ने एक मेरे लिए ड्रेस भी लाया। मम्मी पूजा कर रही है ना, घंटी का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो ड्रेस भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और भी बहुत सारी चीजें लाई है मम्मी। देखिए पूजा कर रही है, मम्मी का ड्यूटी लग गया सुबह शाम पूजा करने का। तो ये है फिंगर, ये भी मम्मी से मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे बहुत खाने का मन हो रहा था, क्रेविंग हो रही थी इसको खाने का। और यहाँ पे मिलता है, लेकिन किधर मिलता है वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये लंबे साइज का फिंगर है, ये एकदम बड़ा बड़ा, ये अलग ही टाइप का पापड़ है, मतलब अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने मंगाया था मम्मी से, और ये मम्मी लाई। और यहाँ देखिए, ये गाँव का मूँग दाल है, मतलब अपने खेत का मूंग दाल है। तो ये स्पेशली मेरी नानी ने भेजा है, मतलब नानी मम्मी को दी, बोली कि लेके जाओ, खुद से मतलब जाता होता है ना, उसमें दड़ा गया है ये दाल को, और ये मूंग का दाल है। डिलीवरी के बाद ना, मतलब गांव में तो खैर ये देहाती बोलते हैं ना, देहाती वाला दाल और ऐसा मूंग का दाल खाते हैं लोग, खेत का खासकर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हल्का छिलका वाला है ये दाल, ज़्यादा मतलब इसमें थोड़ा बहुत छिलका भी है, और बाकी छिलका निकला हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये मम्मी लाई, और ये देखिए, ये है मड़ुआ, गांव में इसको मड़ुआ बोलते हैं, और यहाँ पे शायद इसको रागी बोलते हैं। तो ज़्यादा मैंने नहीं मंगाया, मम्मी को बोला ज़्यादा मत लाना, एक के जी है ये, तो 1 kg है, क्योंकि इसका रोटी ज़्यादा खाया नहीं जाता है, और ये आफ्टर डिलीवरी खाना होता है रोटी, इससे इसका बहुत सारा बेनिफिट भी होता है, जैसे कि पेट साफ हो जाता है, और जो भी शरीर में गंदगी रहता है वो
मतलब पीरियड के द्वारा निकल जाता है, ऐसे सुनते आ रहे हैं, मैं पहले से सुनते आ रही हूँ। पता नहीं अब और क्या क्या चीज़ के लिए खाया जाता है नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका रोटी थोड़ा कड़क होता है, घी लगा के खाते हैं एकदम, घी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अभी इसको ना थोड़ा भुनना पड़ेगा, भुन के फिर उसके बाद पीसने के लिए दे देंगे। तो ये मम्मी लेकर आई है और इसमें है गांव का अजवाइन और क्या बोलते हैं वो काला जीरा जो बोलते हैं ना, कलौंजी, वो है। अभी खोलूंगी नहीं, दोनों में वही है, मम्मी लेकर आई वहाँ। तो कुछ कुछ सामान ये सब लेकर आई है और एक ड्रेस भी मेरे लिए लाई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा ड्रेस है, मम्मी बोल रही थी साड़ी लेकर आने के लिए, तो मैं बोली कि नहीं साड़ी मत लेना, अगर लेना भी होगा तो सूट लेना, क्योंकि मैं साड़ी तो पहनती नहीं हूँ तो सूट रहेगा तो काम आएगा। तो इसके लिए अभी चलते हैं, सबसे पहले खाना बनाते हैं, खाना बनाएंगे फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, आम का अचार। ये भी मम्मी अभी फिलहाल लगाई थी, ईशान का लगा हुआ अचार है। मम्मी अकेले आई तो इसके लिए मम्मी को बोली थी ज़्यादा कुछ लेके नहीं आना, लेकिन फिर भी देखिए कितना सारा चीज़ें लेकर आ गई। आज बनाऊंगी पनीर की सब्जी। वो ये तो पूरा जम गया है, वो थोड़ा पानी में रख देती हूँ। फटाफट से मैं ना आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में ना मैं फिर से भूल जाऊंगी। तो ये वाला ड्रेस तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब मायके में थी तो उस टाइम पे मैंने दिखाया था आप सबको। तो ये वाला ड्रेस ना मैं वहीं छोड़ के आई थी, मुझे लगा था कि फिर से आना है, मतलब फिर से जाना है वहाँ पे, तो फिर क्यों ढोके लाया इतना सारा चीजें। तो मैंने एक साड़ी भी छोड़ दिया था और एक ये वाला ड्रेस भी छोड़ दिया था। तो साड़ी तो अभी फिलहाल मैंने वहीं पे रखा है, मम्मी को बोली सिर्फ ये वाला ड्रेस ला देना, क्योंकि साड़ी मैं उतना पहनती नहीं हूँ, तो रहेगा चलेगा, कभी जाऊँगी तो वहाँ पहनूंगी। तो ये वाला ड्रेस मैं पूरा खोलूंगी नहीं, क्योंकि मैंने फोल्ड करके रखा है ऑलरेडी, आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और अभी मम्मी ने मेरे लिए ये वाला ड्रेस लाया, इसका कलर इतना खूबसूरत है ना, मतलब एकदम लाइट कलर है। और ये भी ऑनलाइन ही खरीदा हुआ है फ्लिपकार्ट से। ये रहा उसका दुपट्टा और ये रहा पैंट, और नीचे इस टाइप का कुछ डिजाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे नेट भी लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का बॉर्डर है। तो ये पैंट है, पूरा खोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे फिर से सबको फोल्ड करना पड़ेगा। और ये रहा ऊपर का कुर्ता, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। और ये इंदोवेरा का है, इंदोवेरा ब्रांड का है, तो उसका कपड़ा भी अच्छा रहता है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। स्लीव में कुछ यहाँ पे इस टाइप का नेट लगा हुआ है, इस टाइप का बॉर्डर है, जो पैंट भी दिया है ना वैसे ही। और यहाँ पे इस टाइप का लटकन दिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दोनों साइड में है। और नीचे कुछ नहीं है, नीचे प्लेन है। तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैं इसको पहन के नहीं देखी हूँ, क्योंकि अभी आएगा भी नहीं, देख के ही पता लग रहा है कि शायद नहीं आएगा। मीडियम साइज़ का है, डिलीवरी के बाद मैं आराम से पहन सकती हूँ। तो ये ड्रेस मम्मी ने मेरे लिए लाया, मैंने मम्मी को मना किया था कुछ लाना मत, लेकिन फिर भी देखो इतना सारा चीज़ें लेकर आई। तो मम्मी लोग ऐसे ही होती है, कितना भी मना करो, कुछ भी करो, मतलब कितना भी मना करो लेकिन फिर भी लेके आ जाती है। तो चलिए फटाफट से मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखा दी, अभी मैं खाना बनाऊंगी। कब से मैं बोल रही हूँ खाना बनाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें याद आ रही है, फिर मैं आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ। पनीर को मैंने मैरिनेट कर लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर
और लाल मिर्च का पाउडर, नमक दिया स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ऑयल देके उसको मैरिनेट कर लिया और 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अभी पनीर को फ्राई कर रही हूँ और अभी यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बड़ी इलायची और दालचीनी, दो लौंग और इसको ना क्रश कर लिया है। सेम ऑयल में अभी ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने सूखी लाल मिर्च दिया है और तेज़पत्ता और जो मैंने गरम मसाला कूट के रखा था उसको भी ऐड कर दिया है। हल्का सा भून लेंगे, जलाना नहीं है नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने जीरा ऐड किया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ना प्याज ऐड करेंगे, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। झटपट बनने वाली ये मटर पनीर की सब्जी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाती हूँ, कोई भी रेसिपी हो और उसको शॉर्टकट में ही मैं बनाती हूँ लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने मटर ऐड किया है, मटर को भी हल्का सा भूना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, उसको भी भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड किया है, ये कलर के लिए है। मैं लाल मिर्च वैसे पाउडर वाला यूज़ नहीं करती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, नहीं तो सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ। आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ लाल मिर्च, तो बहुत दिनों से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे, मसाला पहले से मैं बना के रखी थी। जो भी रेगुलर के मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, वो सारे का घोल मैंने तैयार कर लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद मैंने मसाला ऐड कर दिया, फिर टमाटर भी डाला और साथ ही साथ सारे मसाले को भुने हैं। फिर पनीर ऐड करके फिर मसाले के साथ भून रही हूँ अभी। और अभी यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, तो फिर मैंने यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार नमक भी मैंने डाल दिया था। बस अभी ये सब्जी को 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे धीमी आँच पे, ये सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी खाना बन के रेडी है, मटर पनीर की सब्जी, रोटी, फिर पापड़ और ये मैंने शाम को बनाया था हलवा, वो भी इतना सारा है, चावल भी मैंने बनाया है और बस रोटी चावल दोनों बना हुआ था। तो अभी हम लोग ने खा लिया है खाना, खाना खाने के बाद वही अभी किचन की क्लीनिंग होगी। तो अभी हम दोनों माँ बेटी लग गए हैं किचन में और मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, मम्मी बर्तन धो रही है। मम्मी को मना किया था बर्तन मत धो लेकिन मम्मी मानती कहाँ है। वैसे मम्मी को ज़्यादा दिन आए हुए हुआ नहीं लेकिन फिर भी मम्मी काम पे लग गई है। मम्मी को मैं बोली थी कि अभी तुम आराम करो क्योंकि मम्मी ट्रेन से आई ना, तो मम्मी बोल रही थी कि मेरा सर अभी भी घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में बैठी हुई हूँ। और वैसे भी मतलब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जो लोग ट्रेन से ना, तो उनको आदत बन जाती है, लेकिन मम्मी ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं है। और वेटिंग वाले लोग इतना बड़े हुए थे ना जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो इतना प्रॉब्लम तो होता नहीं है। तो वही अभी मम्मी बर्तन साफ करें, मैं गैस क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग वही सोने की तैयारी करेंगे। और वीडियो में आजकल बहुत ही छोटा छोटा सा डाल रही हूँ, मतलब 10-12 मिनट का वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि एडिट करने में मेरे लिए आसान हो रहा है और लंबा ब्लॉग हो जा रहा है फिर एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ऐसे ही छोटा छोटा ब्लॉग आएगा, कोशिश करूँगी मैं डेली ब्लॉग डालने की। तो अभी देखिए यहाँ पर त्रिशानी सो गई है और अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाए थे ना, तो खाना खाने के बाद ना मैं इस तरह से पोछा लगा देती हूँ क्योंकि फर्श थोड़ा गंदा हो जाता है, खाना वाना गिरा रहता है, तो मैं एक बार पोछ देती हूँ। और अभी यहाँ पे बिस्तर भी लगाना है त्रिशानी को, तो मैं मम्मी के साथ ही सुलाती हूँ क्योंकि उसका आदत बनाना भी ज़रूरी है और मम्मी ऐसे अकेले सोती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं त्रिशानी को सुला देती हूँ, बिस्तर मैंने लगा दिया, त्रिशानी सो गई है। सोने के बाद उसको कहीं भी सुला दो पता नहीं चलता है, वो आराम से सो जाती है, लेकिन वही जब उसका नींद खुलता है ना तो फिर वो भाग के आ जाती है मेरे पास। तो अभी सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मैं अपना मेडिसिन लूँगी उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फॉर ट्रेड।